हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में कल के डेट में कैसा मोमेंटम हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, मार्केट में आपको जो है सेलिंग से एंड पोजीशन जो है वो आपको क्रिएट करना है, एग्जीक्यूट यहाँ पे आपको करना है। मैंने आपको बताया था यहाँ से अगर मार्केट नीचे जाता है तो फिर यहाँ से भी 1:3 का प्रॉफिट आपको आराम से मिल सकता है। 500 से लेकर 400 तक भी मार्केट जो है यहाँ से आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको 1:2 का प्रॉफिट मिला होगा, यहाँ पे आपको इनसाइड कैंडल भी एक मिला होगा। उसके बाद मार्केट जो एक ही रेंज के अंदर जो है मार्केट यहाँ पे ट्रेड करने लगा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो है, यहाँ पे बहुत लोगों का स्टॉप लॉस जो है 38,600 से लेके 500 के बीच में रहेगा। तो आपको क्या करना है, अगर मार्केट यहाँ से आपको ये W दिखेगा, फिर अगर ये वहाँ से रिटेस्ट करता है यहाँ पे, या अगर आपको यहाँ पे निगेटिव कैंडल दिखता है तो आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो। आपका टारगेट जो रहेगा फिर 38,200 रहेगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर वाले साइड जाता है तो आपको क्या करना है, बाइंग में पोजीशन क्रिएट नहीं करना है। सेलिंग साइड आपको जो है वहाँ पे निगेटिव सेंटिमेंट आपको वहाँ पे जो है यहाँ पर देखना है। अगर मार्केट 38,200 के नीचे अगर खुलता है, समझो 38,000 के पास अगर मार्केट गैप डाउन अगर खुलता है मोर देन 300 पॉइंट्स या 400 पॉइंट्स के आसपास अगर खुलता है, तो यहाँ से फिर एक शार्प सेलिंग यहाँ से हुआ है। यहाँ पे बहुत लोगों को जो है प्रॉफिट यहाँ पे शो हो रहा होगा। प्रीमियम भी जो है 70-80% जो है प्रीमियम ये वाले साइड और कौन से साइड 39,800, 39,500, 39,400, 38,000, 3900 तक भी यहाँ पे जो प्रीमियम है 80% यहाँ पे आराम से डिके हुआ होगा। तो ये लोग जो है अगर मार्केट का पोजीशन ऊपर वाले साइड अगर मार्केट निकलता है तो ये पोजीशन जो है यहाँ से स्क्वायर ऑफ होना चालू हो गया। तो यहाँ से भी आपको जो है मोमेंटम आराम से देख सकता है। लेकिन फिलहाल आपको क्या करना है, आपका टारगेट जो रखना है आपको 37,750 के पास। सेकंड टारगेट आपका रहेगा, फर्स्ट टारगेट जो रहेगा आपका 3800 के पास आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। तो यहाँ से आपको स्टॉप लॉस जो है 1:1 में ट्रेल कर लेना है अगर आपके फेवर में अगर मार्केट जाता है तो, ठीक है। और उसके बाद अगर मार्केट प्राइस एक्शन बना के नीचे जाता है तो 750 तक भी मार्केट जो है यहाँ से आ सकता है। अगर समझो मार्केट अगर सेलिंग साइड अगर मार्केट यहाँ पे अपने को यहाँ पे जो है मार्केट सेलिंग से यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मार्केट समझो गैप अप ओपन हुआ नियर अबाउट 200 पॉइंट्स के अगर ऊपर ओपन हुआ तो 38,500, तो यहाँ से मार्केट सिंगल कैंडल मूव नहीं कर सकता। आपको यहाँ पे मार्केट जो यहाँ पे होल्ड करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस है आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन आपको नेगेटिव साइड दिखता है या फिर अपर साइड दिखता है, अगर नेगेटिव साइड दिखता है तो 1:2 या 1:3 का प्रॉफिट भी आप ले सकते हो। अगर ऊपर वाले साइड आपको ट्रेड लेना है तो 1:1 में आप यहाँ से निकाल सकते हो। निफ्टी देख लेते, जैसा मैंने आपको निफ्टी में भी बताया था, आपको ये वाले रेंज में जो है यहाँ पे सेल करना है। आप मेरा कल का वीडियो देख सकते हो, यहाँ पे ही मार्केट जो है 30 पॉइंट्स नियर अबाउट यहाँ से सेल हुआ था, वहाँ से नीचे ओपन हुआ है फर्स्ट कैंडल। अगर यहाँ पे भी आप सेल करते तो भी आपको 750 तक मैंने टारगेट यहाँ पे आपको बताया था, वो आपको यहाँ पे टारगेट यहाँ पे आज के डेट में जो है यहाँ पे अचीव यहाँ पे हुआ होगा। तो 1:3 या 1:4 का भी प्रॉफिट जो है जिन लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा उन्हें यहाँ पर हुआ होगा। अगर समझो मार्केट फ्लैट ओपन होकर अपर साइड रेंज ब्रेक करता है 17,600, तो फिर वहाँ पे भी आपको नेगेटिव सेल यहाँ पे देखना है। आपको बाइंग साइड कहाँ देखना है, जहाँ मार्केट सेकंड हाफ में अगर बाइंग अगर आता है मार्केट में अपसाइड अगर आता है W बना के बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी 50 में, तो ही आपको बाइंग का सीन यहाँ पे मिलेगा, अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट आपको मिलेगा। नहीं तो फिर यहाँ पे जो है वहाँ पे रेजिस्टेंस देख के सेलर यहाँ पे एक्टिवेट होंगे, फिर से मार्केट जो है नीचे के साइड यहाँ पे आ सकता है। तो सेलिंग साइड 1:2 या 1:3 का प्रॉफिट रखिए और बाइंग साइड 1:2, फिलहाल ये हफ्ते के लिए 1:1 का ही प्रॉफिट यहाँ पे अपन टारगेट लेके चलते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ तभी भी आपको प्राइस एक्शन देखना है। आप बाइंग का सीन यहाँ पे जो रहेगा वो कम रहेगा। आपको जो ऊपर वाले साइड में अगर प्राइस एक्शन नेगेटिव दिखता है तो वहाँ पे भी आप जो है शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट
फ्लैट ओपन होकर अगर ये वाला रेंज पार कर रहा है 71600, तभी भी आप जो है यहाँ पे निगेटिव साइन देखना, यहाँ पे बाय मत करना। अगर बाय करना ही रहेगा आपको तो 1:1 का प्रॉफिट में हम निकाल दीजिए। अगर मार्केट इस रेंज के आसपास अगर मार्केट 1% या फिर 150 पॉइंट अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो मार्केट कहाँ खुलेगा, 350 तक खुलेगा मार्केट, 17,350 तक। तो वहाँ से फिर आप बाइंग के साइड देख सकते हो अगर प्राइस एक्शन ऊपर वाले साइड आता है, क्योंकि फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो यहाँ से भी 1:1 या 1:2 का प्रॉफिट जो आपको यहाँ पे मिल सकता है। ऑप्शन रेंज डेटा जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो है कॉल राइटर है, यहाँ पे सपोर्ट है, लेकिन सपोर्ट अगर ये ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे है नहीं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट जो है 37, मैंने 750 का लेवल आपको बताया, यहाँ पे मार्केट 37500 तक भी आपको यहाँ से आ सकते हैं। वो तो आप प्राइस एक्शन देख के आप ट्रेड करोगे, वैसे ही आपका स्टॉप लॉस ट्रेल कर जाओगे, तो वहाँ से भी आप जो है कैप्चर यहाँ पे ये पॉइंट्स भी आप कैप्चर यहाँ से कर सकते हैं। सपोर्ट जो है वो है 38,000 में आप सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे कोई इतना कुछ खास यहाँ पे रेजिस्टेंस या सपोर्ट शो नहीं हो रहा है। 38,500 रेजिस्टेंस है, 38,500 जो है यहाँ पे सपोर्ट शो हो रहा है। तो कल के डेट में अगर मोमेंटम अगर आता है तो ये सपोर्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। निफ्टी में आप देख सकते हो पीसीआर जो निफ्टी में आप देख सकते हो पीसीआर जो 0.6 है, रेजिस्टेंस जो है 17,600 है, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है 17,500 के पास, नीचे सपोर्ट है 17,400 17,300। लेकिन अगर यहाँ पे अगर डाउनसाइड का प्राइस एक्शन है यहाँ पे बनता है, यहाँ पे अगर डाउनसाइड का प्राइस एक्शन बनता है तो ये जो यहाँ पे लोग जो यहाँ पे पी ली शॉर्ट करके बैठे होंगे तो यहाँ से ये कवर करेंगे, तो यहाँ से भी पी के साइड मूवमेंट आपको आ सकता है, 1:3 या 1:4 का भी प्रॉफिट जो आपको यहाँ पे मिल सकता है। पीसीआर भी यहाँ पे बुलिश पीसीआर जो है तो नियर अबाउट 1 के ऊपर रहता है, 1 या 1.1 ऐसा, यहाँ पे 0.6 है, तो बियरिश ये पीसीआर अपन मान के यहाँ पे चलेंगे। आप यहाँ पे कॉल्स टोटल कॉल्स भी देख सकते हो आप, 119 मिलियन यहाँ पे कॉल्स है और पुट जो है 71 मिलियन ही यहाँ पे पुट यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। तो कल के डेट में आपको प्राइस एक्शन करके ट्रेड करना है, 1:1 का भी प्रॉफिट आपको कल के डेट में मिल सकता है, लेकिन बाइंग साइड प्रॉफिट थोड़ा कम रखना, सेलिंग साइड थोड़ा ज्यादा रखना, क्योंकि मार्केट जो है सेलिंग साइड लगता है कि आ सकता है, क्योंकि एक महीने के अंदर 10-12% का मूवमेंट ये नॉर्मल नहीं होता है। अगर मंथली अगर 1-2% अगर ऊपर नीचे होता है तो फिर ठीक है, अगर 10-15% अगर मोमेंटम करता है तो रिट्रेसमेंट भी आप पकड़ोगे, तो 50% अगर रिट्रेसमेंट अच्छा होता है तो फिर वहाँ से भी मार्केट जो 50% रिट्रेस होता है, मतलब हाई से 5% भी आप पकड़ सकते हो, जहाँ से मार्केट अप हुआ है, जहाँ पे हाई लगा है वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना परसेंट मार्केट ने मूवमेंट किया, उससे 50% आप देख सकते हो, ठीक है गाइस। ठीक है ट्रेडर्स, अभी के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।